प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्प लता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। नौवां पड़ाव, मंगल मूर्ति, 1930 से 1955। एक बार पिताजी के मन में आया कि फैमिली गैदरिंग की जानी चाहिए, तो सारे कुनबे को न्योता भेज दिया आने के लिए। गर्मियों की छुट्टियां थी ही, हमारे घर के पीछे एक मकान आईटीओ साहब का खाली हो गया था, उसी में सब मेहमानों के ठहरने का इंतजाम हुआ। हमारे पिताजी के पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका था, पर चाचा चाची थे, उन्हें कुनबे का बड़ा बूढ़ा समझकर आने का विशेष आग्रह किया गया और फिर साल भर तक उन्हें अपने ही पास हमारे पिताजी ने रखा। खूब भीड़ भाड़ थी, शादी से भी ज्यादा। गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था, परंतु अधिकतर बातों में व खाने पीने में समय निकल जाता था। दर्जनों बच्चे आकर जमा हो गए थे, धमा चौकड़ी मची रहती थी और आनंद मंगल होता रहता था। एक दिन प्रातःकाल हमारे बाबा जी जब गंगा जी नहाने जाने लगे, तो मेरा बड़ा भाई प्रताप दादा, चचेरा भाई व भतीजा ओंकार उनके साथ हो लिए। नया नया सीखा था तो तैरने का शौक बहुत था। मुझे याद है कि माँ चौके में हलवा बना रही थी, महाराज दूसरे चूल्हे पर कुछ बना रहे थे। नथू पानी भर रहा था कि माँ ने एकाएक नथू को आवाज देकर कहा, सब काम छोड़ दे, गंगा जी दौड़ जा, प्रताप बाबू डूब रहे हैं। हमारी बहनें और बाकी सब लोग हैरान हो गए कि ऐसा क्यों कह रही हैं, पर नथू कहना मानकर भाग कर गंगा जी चला गया। वहां वाकई में दादा डूब रहा था, गंगा जी में बाढ़ आ गई थी। तीनों लड़कों को अंदाज नहीं मिला, बाबा जी किनारे पर नहा रहे थे। ये तीनों जरा आगे बढ़ गए और बह चले। भतीजा व चचेरा भाई किनारे के पास ही थे, वे किनारे पर आ लगे, पर दादा बहाव में बढ़कर बीच में जाने लगा। तभी नथू पहुंचा, घाटियों ने भी देखा तो दोनों कूद पड़े। बच्चे ने एक डाल पकड़ रखी थी, वह भी छूट गई थी, किसी तरह बचाकर किनारे लाया गया। बाबा जी बेहद घबरा गए थे, बच्चा पानी काफी पी गया था। फौरन घर लाया गया, हमारे पिताजी ने पेट दबाकर व उल्टा लटकाकर पानी निकाला। फिर पूछा माँ से कि नथू कैसे गंगा जी वक्त पर पहुंच गया। तब माँ ने बताया, मुझे साफ दिखाई दिया कि मेरा बच्चा गंगा जी में बहा जा रहा है। सबों को बेहद ताज्जुब हुआ। दूसरे दिन तुला दान कराया गया, हम लोग भी तराजू पर चढ़ गए दादा के साथ में। किसी ने नहीं रोका, सारा अनाज गरीबों को बांटा गया। फतेहगढ़ में मेरे छोटे भाई इंदर को बहुत तेज बुखार व खांसी हो गई थी, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अंत में पिताजी ने एक दिन माँ को बताया, बच्चे के फेफड़े में फोड़ा हो गया है और ऑपरेशन बेहद खतरनाक है, तुम अब श्री रघुनाथ जी से अपने बच्चे की जान बचाने की प्रार्थना करो, मैं सब इलाज कर चुका। माँ को हमारे पिताजी के इलाज पर बहुत विश्वास था, ऐसा सुनकर उन पर तो वज्रपात हो गया। रात दिन छोटा भाई खांसता हुआ बेदम सा हो जाता था, माँ लिए बैठी रहती थी। ऐसी ही एक रात थी, माँ की आंख लग गई और उन्होंने स्वप्न में अपने को चित्रकूट में देखा कि वे साधो बाई जी के आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ऊपर से श्री रघुनाथ जी उतर रहे हैं। माँ उन्हें देखते ही चरणों में झुक गई और बोली, मेरे बच्चे को बचाइए महाराज, इन्होंने जवाब दे दिया है। माँ कहती थी,
कि राम जी ने मुस्कुराकर उनके सिर पर अभय का हाथ रखा और तभी उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फौरन पिताजी को जगाकर स्वप्न सुनाया। वे बोले, लगता है अब बच्चा बच जाएगा। दिन निकलने पर पिताजी ने हम लोगों को तैयार होने को कहा कि आज सबको रामलीला दिखाने ले चलेंगे। हम सब बच्चे बड़े खुश हुए। घर में उदासी भरे वातावरण से सब घबरा गए थे। मोटर निकल गई थी, बच्चे उसमें बैठ भी गए थे। तभी बीमार छोटे भाई इंदर को बड़ी जोर से खांसी का दौरा पड़ा। उसी के साथ अंदर का फोड़ा भी फूटकर मुंह व नाक से बहने लगा। फौरन हमारे पिताजी ने बच्चे को संभाला और आधे घंटे बाद हम लोगों ने मोटर से उतरकर देखा, पिताजी का चिंताग्रस्त मुख मुस्कुराने लगा है। बोले, संकट टल गया, इंदर बच गया। बच्चों, अब कल रामलीला देखेंगे।